जैसा कि आपको ज्ञाति है कि उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र हर साल अपना ये राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन करता है, जो कि दिसंबर 1 से लेके 12 दिसंबर तक की होता है। इस वर्ष भी हमने 1 से लेके 12 दिसंबर तक की अपना वार्षिक हस्तशिल्प मेला आयोजित किया है, लेकिन इस बार थोड़ी सी हमने तब्दीली की है। हमारे पास थोड़ी जो शॉप्स हैं जो हस्तशिल्प की, हमारे पास लगभग लगभग हमारे पास 145 जो हमारे पास स्टॉल हैं, जो विविध प्रदेशों से आए हुए हैं और विविध कलाओं से, विविध हस्तशिल्पों से वो सुसज्जित हैं। दूसरी चीज है, इसमें हमने खान पान का भी स्टॉल लगाया हुआ है, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक पैकेज है। हमारे पास स्टॉल है, लोग जब यहाँ आए, पूरा दिन यहाँ व्यतीत करें, खरीदारी करें, भूख लगती है तो उनके पास चॉइस हो खाने के लिए भी क्या हो सकता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम है, अलग अलग प्रदेशों से, लगभग लगभग हमारे पास 18 प्रदेशों से जो है सांस्कृतिक दल, जो कि जनजाति और लोक कलाकार हैं, वो यहाँ पे आमंत्रित किए गए। और इस बार हमारी कोशिश ये हुई है कि जिनको हम कहते हैं कि अपकमिंग आर्टिस्ट, जिनको वाकई प्लेटफॉर्म की जरूरत है, हमने उनको भी आमंत्रित किया है। जैसे कि आपका सारेगामा पासे या इंडियन आइडल के जो रनर अप रहे हैं, जो विजेता रहे हैं, उनको आमंत्रित किया है। और ये बताते हुए हमें बहुत हर्ष हो रहा है कि आज जो प्रथम दिवस है, इसमें हमारी पद्मश्री माननीय अवस्थी जी इसका शुभारंभ कार्यक्रम का करने जा रही हैं। आज शाम को 6 बजे इसका विधिवत उद्घाटन होगा और प्रातः 11 बजे से लेकर के रात्रि 10 बजे तक की हमारा ये शिल्प मेला जो है चलेगा, जिसमें हमने अपने मैदानी कलाकारों को भी आमंत्रित किया है। क्योंकि 11 बजे अगर ये मेला खुल रहा है तो जब लोग आ रहे हैं तो उनके मनोरंजन के लिए मैदान में हमारे कुछ कलाकार हैं जो राजस्थान से हैं, गुजरात से हैं, यूपी से हैं, वो हरियाणा से हैं, वो अपना मैदानी कलाकार जगह जगह मैदान में जगह जगह वो अपनी परफॉर्मेंस देते रहेंगे। विविधता ये है कि हमने उत्तर पूर्वी राज्य से, हमने जितने भी हमारे जोनल सेंटर हैं, 7 जोनल सेंटर हैं उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र को मिला करके, जिसके अंतर्गत 7 प्रदेश आते हैं, इन प्रदेशों से तो आ ही रहे हैं, उसके अलावा हर जोनल सेंटर से हमने तीन तीन दल जो हैं, विभिन्न दल जो हैं, वो आमंत्रित किए हैं। इस प्रकार अगर हम देखें तो लगभग लगभग इन 12 दिनों में हमारे पास कम से कम कुछ नहीं तो 800 से ज्यादा जो है लोक कलाकार और जनजातीय कलाकार यहाँ आ रहे हैं। और लगभग लगभग हमारे पास, जैसा कि हमने बताया, 145 जो है हमारे स्टॉल है हस्तशिल्प के, 21 हमारे स्टॉल ऐसे हैं जो खान पान को लेकर के हैं, जिसमें कुछ अवार्डी राष्ट्रीय अवार्डी शिल्पकार हैं, कुछ स्टेट अवार्डी शिल्पकार हैं और अलग अलग प्रदेशों से आए हुए शिल्पकार हैं। ये हमारा एक मकसद रहा है, लेकिन इस बार एक मकसद ये भी हमने रखा है कि हम ये जो शहर के युवा वर्ग है उसको किस तरह से हम आकर्षित करें कि वो यहाँ पे आए, और जो अपकमिंग हमारे आर्टिस्ट हैं उनके साथ साथ, जो काफी फेमस हैं, उसके साथ साथ जनजातीय और लोक कलाकारों को भी वो देखें इस बहाने, ताकि वो अपनी जड़ों से जुड़ सकें और अपने रूट्स के बारे में उनको पता चल सके कि हमारी ये जनजातीय कलाएं भी हैं, हमारी ये लोक कलाएं भी हैं जो अलग अलग प्रदेशों को बिलोंग करती हैं। तो ये एक हमारा पूरा का पूरा कोशिश ये है कि शहरवासियों के लिए एक छतरी के नीचे उनको सब कुछ हमने प्रदान करने की कोशिश की है। अब जिसमें सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए हमने टिकट रखा है इसमें, कि 10 रुपए इसलिए रखा कि कम से कम थोड़ी सी हमें एक नियंत्रण हम रख सकते हो, नहीं तो एकदम ओपन कर देंगे तो ये अनियंत्रित हो जाएगा। और इतने सारे स्टॉल हैं, इतने सारे लोग हैं, तो कम से कम एटलीस्ट उनके पास भी इस 10 रुपए से सांस्कृतिक केंद्र का कुछ होना नहीं है, लेकिन एक सिर्फ कहा जाए कि एक इसको व्यवस्थित किया जा सके, इसलिए हमने ये 10 रुपए का टिकट रखा है। मुझे ये उम्मीद है कि प्रयागराज की जनता जैसे हमें हमेशा सहयोग देती रही है, इस वर्ष भी हमारे इस मेले को अपना पूरा पूरा आशीर्वाद, प्यार और सहयोग देगा। इसी के साथ ही हम सभी लोगों से अनुरोध करते हैं कि आप लोग अवश्य इस मेले में पधारें, अवश्य आप आए और खरीदारी के साथ साथ खान पान का भी लुत्फ उठाएं और इसके साथ साथ आप सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी देखें। सर आज एक शोभा यात्रा निकली। जी आज हमारा प्रथम दिवस है तो शहर में थोड़ा सा वाइब्रेट करने के लिए, शहर में लोगों को पता चल पाए, इसलिए हमने यहाँ से एक शोभा यात्रा अपनी निकालने का पिछले साल से हमने ये प्रयास किया है कि हमारे जितने भी लोक कलाकार आए होते हैं उनको हम यहाँ से निकालते हैं, अपने सिविल लाइन से, अपने कहा जाए 14 CSP सिंह मार्ग से निकाल करके इनको हम लेकर के जाते हैं AG ऑफिस के सामने से, फिर ये सुभाष चौक जाते हैं। सुभाष चौक पर बहुत अच्छी बात है कि पिछले साल से
हमारा जो व्यापार मंडल है हमारे कलाकारों का सम्मान करता है, वो उनका सारे कलाकारों का सम्मान करते हैं, इस वर्ष भी वो सम्मान कर रहे हैं। तो एजी ऑफिस से होते हुए, सुभाष चौक से होते हुए ये वापस हमारे प्रांगण में वापस आएगी, फिर उसके बाद ये हमारे कलाकार चाय नाश्ता ये सब करेंगे, देन उसके बाद 6 बजे विधिवत इसका हम उद्घाटन करेंगे।